खबरों की करेंगे शुरुआत और बात 10 लाख का इनामी दक्षिणी छोटा नागपुर का जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक ने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक ने शुक्रवार को रांची में विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज प्रमाणिक की तलाश राज्य पुलिस के साथ साथ NIA को भी थी। राज्य पुलिस ने महाराज पर 10 लाख का इनाम रखा था। महाराज प्रमाणिक कई वारदातों में शामिल है। अब जाकर उसने पुलिस के सामने विधिवत सरेंडर कर दिया है। दरअसल महाराज प्रमाणिक के सरेंडर करने के पीछे की वजह, दरअसल भाकपा माओवादी संगठन में पतिराम मांझी को जब सेंट्रल कमेटी बनाकर सारंडा इलाके का प्रभार दे दिया गया, तब माओवादी संगठन में आदिवासी नेताओं के बीच नाराजगी उत्पन्न हो गई थी और इसी के बाद महाराज प्रमाणिक ने संगठन छोड़ दिया था। जब तक वहाँ काम कीजिएगा तब वो लोग नाम लेगा, वहाँ से निकल जाने के बाद सबको वही आरोप लगाता है। अच्छा, ये भी कहने का आप AK-96 लेकर ना, गलत बात है, जो है सब आप लोग के सामने है और अलग इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े नेता के बेटे बेटियां विदेश में पढ़ते हैं, किसी का जानते हैं किसी का नाम जो विदेश में पढ़ता हो, उतना डिटेल से वो लोग नहीं बताता है। नीचे स्तर में जो भी बताने का है, जो है यहाँ का आला अधिकार है, जो सारा चीज बड़े सर लोग जो है जिनके समर्पण में हम सिलेंडर किए हैं, उन लोग को सारा डिटेल हम बता चुके हैं। की कहे तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 लाख के जो इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है और ये झारखंड पुलिस के पहल पर ही हुई है। आपको बता दें कि झारखंड और बिहार में बंदी का भी ऐलान किया गया था इससे पहले नक्सलियों के द्वारा, जो कि 27 तारीख तक है, लेकिन इसी बीच ये एक बड़ी सफलता के तहत हमारे साथ IPS आनंद प्रकाश सर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो श्रेय है नक्सलियों के सरेंडर का वो किन्हें देना चाहेंगे? श्रेय पूरे झारखण्ड पुलिस को है, झारखण्ड सरकार को है, सरायकेला जिला के लिए, कोल्हान क्षेत्र के लिए, पूरे राज्य के लिए है। ये किसी एक आदमी के लिए श्रेय की बात नहीं है, पूरे झारखंड पुलिस CRPF SSB का जो संयुक्त योगदान रहा है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही क्रूर नक्सली रहा था, ये 100 से ऊपर घटनाओं में इसके ऊपर FIR है और आज उसने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण पॉलिसी का जो भी लाभ होगा, बेनिफिट होगा, सब इसको दिया जाएगा ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आ सके और इसके कदमों पर चल के और नक्सली जो हैं, जो अपने सिद्धांत से भटक गए हैं, वो भी मुझे आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में महीनों में वो भी सरेंडर करेंगे और झारखंड सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएंगे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और नक्सलवाद जो है जो का खात्मा होगा, हम आशा करते हैं बहुत जल्दी राज्य से। ये जो है, चूंकि प्रतिरोध सप्ताह के रूप में भी ये नक्सली मना रहे हैं और इस बीच ही झारखंड सरकार की जो इतनी बड़ी अलर्ट है, पूरा सभी जिला अलर्ट है, हमारा जिला भी अलर्ट है, हम लोग हाई अलर्ट पे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके, नक्सलियों के द्वारा किसी अपराधी कांड को नहीं कारित करने दिया, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, पूरा अलर्ट है हम लोग। इस बार की गणतंत्रता दिवस के लिए भी जो है सर तैयारी, सब तैयारी सब हो चुकी है, पूरा चाक चौबंद सुरक्षा है, हम लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो झारखंड पुलिस की ये बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं और अभी हमारे साथ एक IPS अधिकारी थे और उन्होंने सरेंडर जो किया, ये झारखंड पुलिस की कह सकते हैं कि बड़ी सफलता और एक बड़ी नीति, कामयाब नीति कह सकते हैं। इसी बीच नक्सलियों का प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाना और प्रतिरोध दिवस उधर मना रहे हैं और इधर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची।